यानी कि टूरिज्म में करियर, इसको लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर के आशुतोष हैं, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय, बहुत स्वागत है आपका। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर अरविंद कुमार दुबे जी, प्रोफेसर इग्नू, बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर आशुतोष, पहला सवाल मेरा आपसे, क्या टूरिज्म एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है युवाओं के लिए आज के समय में? टूरिज्म ऑलरेडी करियर ऑप्शन हो चुका है युवाओं के लिए जी। आप डेटा देखेंगे तो आप पाएंगे कि लास्ट ईयर 17 लाख करोड़ रुपए टूरिज्म ने कंट्रीब्यूट किया है हमारी जीडीपी में, और हमारी जीडीपी का 9.2% टूरिज्म कंट्रीब्यूट करता है। और एम्प्लॉयमेंट का रेशियो देखेंगे तो 8.12% जो लोग हैं वो टूरिज्म इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं। तो ये हो सकता है वाली बात तब रही ही नहीं, टूरिज्म जो है ऑलरेडी एक बड़ा ही वायबल ऑप्शन हो चुका है। काफ़ी युवा काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ इस करियर ऑप्शन को ले रहे हैं और अपना फ्यूचर इसमें ऑलरेडी बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। बिल्कुल ऋषि, बहुत अच्छी बात आपने कही थी कि आपका जो शौक है उससे पैसे मिले, यानी कि जो शौक है आपका वो आपका करियर बन जाए तो इससे अच्छी बात नहीं है। और मुझे यकीन है ऋषि, आपको बोलने का शौक है तो शायद आप मीडिया में आ गई, सही बात है? बिल्कुल सही बात है। तो डॉक्टर अरविंद, ये बात सही है कि शौक अगर करियर बन जाए तो उससे अच्छी बात नहीं है, लेकिन कैसे पहचाना जाए कि आपको टूरिज्म में जाना है, आपको ट्रैवलिंग का काम करना है? अगर हमारे दर्शक सुन रहे हैं, अगर कोई युवा है जो कि जाना चाहता है, कैसे अपने आप को पहचाने कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए हूँ या नहीं? देखिए, यह जो टूर एंड टूरिज्म का जो फिनोमेना है, यह आपके इंटरेस्ट से काफ़ी हद तक जुड़ाव रखता है जी। और घूमना फिरना या कहीं बाहर जाना, किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जाना और किसी दूसरे लोगों से मिलना, उनके खान पान को देखना, उनके पहनावे को देखना और वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, जो उनका हेरिटेज है, कल्चर है, ठीक है, इन चीज़ों को देखना, उसको रियलाइज़ करना, यह एक सभी की चाहत रहती है। यह और हमारा जो ट्रेवल एंड टूरिज्म है इन्हीं चीज़ों के आधार पर ही है, क्योंकि सभी चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें हर एक देश की एक यूनिकनेस है, हर एक देश की हर एक जगह की एक यूनिकनेस है और वही हमारा बेस बन जाता है ट्रेवल एंड टूरिज्म को डेवलपमेंट करने का। जैसे अभी आपने जिम कॉर्बेट का देखा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, वहाँ पर फ्लोरा फौना है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, और इसको जैसे ही अगर हम मान लीजिए वहाँ पर हमने खाने पीने का सुविधा दी, वहाँ तक आदमी कैसे पहुँचे इसकी सुविधा दी, वहाँ पर सिक्योरिटी को हम लोगों ने लाया, वहाँ पर गाइडिंग करें, स्कॉटिंग करें, ठीक है, उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम जोड़ें, तो एक प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। ठीक है, तो जिन भी लोगों का, जो भी लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हों, हेरिटेज कल्चर के अंदर उनसे उनका लगाव हो, उनका जुड़ाव हो, उस चीज़ को समझना चाहते हों, जानना चाहते हों, तो इन सभी के लिए फील्ड है जी। तो इसके साथ साथ आपका जो एक पर्सनल जो इंटरेस्ट है यह भी फुलफिल होगा और साथ ही अर्निंग भी होगी। बहुत से स्कोप हैं इसके अंदर, है ना, बहुत से एजुकेशन के फील्ड हैं, बहुत से पोस्ट हैं, हर एक फील्ड के अंदर अलग अलग चीजें हैं। जो क्या पोस्ट है, क्या कोर्सेज है, उसके बारे में एजुकेशन को लेकर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, 12th के बाद जो बच्चे इसका कोर्स करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कितने साल का कोर्स होता है ये बताएं? हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में कोर्स जो होता है वो 3 साल का होता है जी, जिसका नाम है बैचलर इन टूरिज्म मैनेजमेंट। और बच्चे जो चाहे 3 साल नहीं देना चाहते हो, सिंपल डिप्लोमा करना चाहते हो या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो, उसके लिए इग्नो में कोर्सेज चलती है, सर्टिफिकेट इन टूरिज्म, डिप्लोमा इन टूरिज्म। तो हमारे यहाँ का जो हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज है, इसका नाम कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ है। आपको जान के खुशी होगी कि एशिया का सबसे पुराना कॉलेज है जहाँ पे टूरिज्म मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। तो हमारे यहाँ एडमिशन की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है जी। तो उसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हैं दिल्ली में, प्राइवेट जामिया मिलिया एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर टूरिज्म की पढ़ाई शुरू हो गई है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर टूरिज्म की पढ़ाई शुरू हो गई है। हमारे यूनिवर्सिटी में अनफॉर्चुनेटली इतने सारे कॉलेजेज हैं जी, लेकिन सिर्फ एक ही जगह पढ़ाई होती है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में होती है, जबकि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोर देन 50 कॉलेजेज हैं जी। तो 10+2 के बाद आप बैचलर डिग्री कर सकती हैं, डिप्लोमा कर सकती हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकती हैं, और उसके अलावा अगर आप बैचलर से आगे भी जाने की सोच रही हैं तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई सारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो मास्टर डिग्री भी कोर्स चलाते हैं, पीजी डिप्लोमा कोर्स भी चलाते हैं। तो टूरिज्म काफ़ी, मतलब ये ग्लोबल कैरियर तो पहले था ही, इंडिया में भी काफ़ी अच्छी तक काफ़ी पैठ बना चुका है। आप जिस बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम लें, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया हो, BHU हो, जीवाजी यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हो,
हिमाचल प्रदेश हो, हर जगह पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो, हर जगह ट्रेवल एंड टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट कैरियर के रूप में, एक इम्पॉर्टेंट कोर्स के रूप में, इनफैक्ट जॉब प्रोवाइडिंग कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, तो काफ़ी जगह डिमांड पे और काफ़ी जगह इसको ऑफर किया जाता है। बिल्कुल, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के ऑप्शन को पहचाने, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अरविंद, अगर किसी बच्चे ने ट्वेल्थ क्लियर की है या फिर ग्रेजुएशन कर रहा है, क्या इसके लिए आपकी परसेंटेज मायने रखती है, कि आपका इससे पहले बैकग्राउंड मायने रखता है, कि आपने आर्ट्स से की है, कॉमर्स से की है, क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं? देखिए, अगर जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अगर जैसे सर ने अगर अभी बताया, तो डेफिनेटली वहाँ परसेंटेज तो मायने रखता ही है जी। वहाँ पे एक मिनिमम परसेंटेज है, उसके बगैर तो वहाँ एडमिशन नहीं होता। राइट। इसी तरह से जो भी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, या तो वे परसेंटेज बेस पे एडमिशन लेते हैं या फिर अपना वो एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं जी। अब जहाँ तक अगर हम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ पर कोई ना तो एज बार है और ना ही कोई परसेंटेज का है। अगर आप 10+2 पास हैं या फिर BPP एक बैचलर्स प्रिपरेटरी प्रोग्राम है हम लोगों का, अगर उसको आपने किया हुआ है, तो आप सर्टिफिकेट में भी एडमिशन ले सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट हमारा 6 महीने का या जो भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है, और बाकी यूनिवर्सिटी भी अगर चलाती हैं, चाहे ODL में हो चाहे कन्वेंशनल मोड में हो, तो वे 6-6 महीने के प्रोग्राम्स हैं। डिप्लोमा जो है आपका 1 साल का प्रोग्राम है। बैचलर्स जो प्रोग्राम है वो आपके 3 साल के हैं। बैचलर्स में भी 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप चाहे BA ओकेशनल टूरिज्म मैनेजमेंट करें, या बैचलर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट करें जो 4 साल का है, या फिर ओकेशनल के अपने प्रोग्राम्स हैं जो स्किल डेवलपमेंट के तहत आते हैं। अब उस स्किल डेवलपमेंट में आपके 10वीं के बाद से स्टार्ट हो जाता है। जो भी कैंडिडेट 11वीं 12वीं में है, वह भी जो है इनरोल हो सकता है Level 3 के अंदर। स्किल डेवलपमेंट में जो भारत सरकार के जो प्रोग्राम्स हैं, वो लेवल जैसे 3 है 4 5 6 7 पे जाकर आप ग्रेजुएट हो जाते हो। तो Level 3 जो है वो 10वीं 11वीं क्लास के बच्चों के लिए है। वो टोटली जो है वो जॉब ओरिएंटेड है। हाँ। जो भी उससे रिलेटेड जॉब है, पूरी लिस्ट है, आप वेबसाइट पे देख सकते हैं इस चीज़ को। जैसे Level 3 पे 11वीं 12वीं बच्चों के लिए है, वे उसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप करना चाहें तो Level 4 है, जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है 6 महीने का। फिर उससे रिलेटेड बहुत से कोर्सेज हैं और उससे जॉब डिजिग्नेटेड हैं। फिर उसके ऊपर जो है आपका डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम है जो 1 साल का है। फिर उसके बाद 2 साल का प्रोग्राम है जो एडवांस डिप्लोमा की डिग्री दी जाती है। इसके बाद भी अगर कैंडिडेट करता है तो 3 साल का प्रोग्राम जो करता है, तो उसको BA की डिग्री दी जाती है, BA ओकेशनल बैचलर ऑफ ओकेशनल स्टडी के रूप में। तो स्किल डेवलपमेंट के तहत ये प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम है, फिर PhD है, नेट क्वालिफाई कीजिए, और भी वेन्यूज बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4 चीज़ें ही हैं। और जम्मू कश्मीर से लेके आप सदर्न इंडिया तक चले जाइए, इधर गुजरात से लेके आप आसाम तक चले जाइए, धीरे धीरे बहुत जगह अब इसके कोर्सेज जो हैं ओपन हो चुके हैं हर एक यूनिवर्सिटी में। अगर यही टूरिज्म ही नहीं है तो हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज हैं, होटल मैनेजमेंट के, होटल, हाँ, इसी से लिंक्ड है। उसमें भी बहुत जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है ट्रेवल एजेंसी का ही ऐसा कोई काम करें, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, हाँ, क्राफ्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, वे भी बहुत से कोर्सेज कराते हैं सर्टिफिकेट लेवल के। होटल मैनेजमेंट अपना बैचलर कराता है, वो भी अपना मास्टर लेवल के कोर्सेज कराते हैं जो नेशनल काउंसिल ऑफ होटल एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। तो उसमें भी कम से कम 8-10 हज़ार सीटें पर ईयर आती हैं, तो बहुत बच्चे उसमें भी जाते हैं। उसमें भी बहुत से एवेन्यूज हैं जहाँ से हम और आप सोचते हैं किसी भी होटल इंडस्ट्री की। अब होटल के अंदर भी चाहे स्टार कैटेगरी हुआ, हेरिटेज होटल हुआ, चाहे 5 स्टार डीलक्स, ये लोग वहाँ पे इम्प्लॉयड होते हैं जी। तो हम लोगों का जहाँ की सोच खत्म होती वहाँ से उनकी शुरुआत होती है जी। क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर ही दूसरा है। बिल्कुल। इसी तरह से ट्रेवल एजेंसी अपने आप में एक इंडस्ट्री है। अभी इंडस्ट्री की एक सिंगल इंडस्ट्री नहीं है, बहुत सी इंडस्ट्रीज को मिलाकर ये अपने आप में इंडस्ट्री का। और शायद यही है कि अब बच्चों के लिए ज्यादा स्कोप है इस इंडस्ट्री में, और बच्चों की सोच जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब, मैं एक किस्सा आपसे यहाँ शेयर करूंगी। हुआ ये था कि मेरा भाई था, उसने कहा कि मुझे भी ट्रैवल एंड टूरिज्म करना है। तकरीबन 15 साल पहले तो मेरे दादाजी ने कहा कि आप पैसे कमाकर घूमने जाते हैं, आप घूमने के लिए आप पढ़ाई नहीं करते हैं। तो शायद अब ये जो मिथ है ये चेंज हो गया है, आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। और सबसे मेन चीज यहाँ पर ये कि आजकल के बच्चे ये देखते हैं कि करियर जो है वो तो हमारा बने, साथ ही सैलरी पैकेज भी अच्छा हो, तो इसमें क्या कुछ संभावना होती है? इसमें 2 बातें हैं मैडम। सैलरी पैकेज के अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जॉब सेटिस्फेक्शन होती है। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप काम करेंगे, या तो होटल में करेंगे, ट्रेवल एजेंसी में करेंगे, इवेंट मैनेजमेंट, एयरपोर्ट्स, हर जगह आपका डायरेक्ट टच होता है कस्टमर के साथ। तो जो बच्चे इंटरपर्सनल स्किल अच्छी है, जो सोशल है थोड़े, जो लाइक करते हैं लोगों से मिलना, लोगों की बातें सुनना, उनको सोल्व करना, वो काफ़ी इसको उनका जो जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल है टूरिज्म इंडस्ट्री में, होटल में उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री में जो जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल है, इट्स वेरी वेरी हाई। तो दूसरी बात रही अब सैलरी पैकेज की, मैं अपने कॉलेज का उदाहरण देता हूँ। हमारे अभी बच्चे पास आउट हो गए हैं, ऑलमोस्ट एग्जाम 23 को ख़त्म हो रहा है, सारे बच्चों की प्लेसमेंट हो चुकी है। ट्रेवल ट्राइंगल एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है,
उन्होंने 20-25 लोगों को हमारा हायर कर लिया, उसमें एवरेज सैलरी जो है वो 25,000 से 30,000 के बीच वो दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। वैसे ही कॉक्स एंड किंग है, FCM है, ऐसे कई सारे कंपनीज हैं जो बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज हैं सारी, तो अच्छी अच्छी कंपनियाँ जो है, ट्रेवल ट्राइंगल तो मल्टीनेशनल नहीं है, वहाँ कुछ IIT के लोगों ने मिलकर खोला हुआ है उसको, लेकिन उनके यहाँ 650 एम्प्लॉइज हैं जो हाईएस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन ट्रेवल एजेंसी। तो प्लेसमेंट हमारे यहाँ कोई इशू ही नहीं है जी। अब प्लेसमेंट इशू कहाँ होता है, जहाँ बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं हो, जहाँ पे एक्सपोजर अच्छा नहीं हो। जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स अगर कोई सब अर्बन एरिया से आते हैं या विलेज एरिया से आते हैं, उनको दिल्ली में एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक प्रॉब्लम क्या है कि जितने शुरुआती के जॉब हैं वो मेट्रो सिटीज़ में ही हैं, एयरपोर्ट जहाँ पे है, होटल्स जहाँ पे है, जहाँ पे आप बहुत सारे ट्रेवल एजेंसीज हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट का डायरेक्ट अराइवल होता है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जो सब अर्बन एरियाज़ के बच्चे होते हैं, शुरू में उनको एडजस्ट करने में पैकेज भी उनकी अच्छी नहीं होती है, उनको स्ट्रगल भी करना पड़ता है, लेकिन वो स्ट्रगल वर्थ वाइल है। आफ्टर 2 years 3 years उनकी भी जो सैलरी होती है काफ़ी अच्छी हो जाती है, और एक बड़ा इंटरनेशनल कैरियर देता है मैडम। टूरिज्म सबसे बड़ी खासियत क्या है जी, आपसे आगे पूछना चाहूँगी कि किस तरह से, ये भी हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल लेवल पर आप काम कर सकते हैं, उस अहदे की सैलरी पा सकते हैं, क्या ये भी मुमकिन है इस फील्ड में या नहीं। लेकिन आप अब भी हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, इनसे इस टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो फोन लाइन इसके लिए भी खोल दी गई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0112309754। कॉल करें और आपका कोई भी सवाल है वो सवाल आप यहाँ पर कर सकते हैं डॉक्टर के आशुतोष और डॉक्टर अरविंद कुमार दुबे जी से। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी अनु ने यहाँ पर कहा, तो क्योंकि बच्चों की ये भी ख्वाहिश होती है कि हम विदेश में जाकर नौकरी करें, तो उसकी कितनी संभावना है इस कोर्स को, उसकी भी एग्जाम्पल के साथ बोल रहा हूँ मैं। अभी हमारे जो स्टूडेंट्स बाहर गए हुए हैं, अभी USA UK में जाना थोड़ा सा मतलब कि ये टफ हो गया है जी। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को ऑप्ट किया है। एक हमारे लास्ट ईयर की स्टूडेंट हैं हमारी, वो अभी जस्ट कनाडा गई हुई हैं। कनाडा में 1 साल का कोर्स पहले वहाँ पे करना होता है, 2 साल के कोर्स को थोड़ा सा वो डिस्करेज कर रहे हैं, क्योंकि इंडियंस वहाँ जाके फिर अपना परमानेंट वीज़ा वगैरह और रेजिडेंसी की बात करने लगते हैं। तो 1 साल के कोर्स, उसके बाद फिर अगर उनका ठीक ठाक वहाँ पे अगर परफॉर्मेंस रहता है तो उसको 2 साल के कोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हम लोग ऐसे प्लेस को टारगेट कर रहे हैं जहाँ कोर्स खत्म होने के बाद आपके जॉब करने की पॉसिबिलिटीज़ भी हो और वहाँ से आपको तुरंत निकाल ना दिया जाए। UK में और अदर यूरोपियन कंट्रीज जो है वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी एक ऑस्ट्रेलिया भी गई हुई हैं, अभी मैं लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट गए हुए हैं और अब कनाडा भी गई हुई हैं। तो इनके होता वहाँ पर क्या है कि जितना कोर्स करते हैं, जितना कोर्स का पैसा लगता है, ऑलमोस्ट उसका 40-50% वो पार्ट टाइम जॉब में उनको मिल जाता है। $10 पर आवर। मैं माफी चाहूंगी आपको, मुझे बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं। राहुल हैं हमारे साथ, राहुल सवाल करें अपना। जी सर, मैं नाम राहुल है। जी राहुल, करें जी। मैं सर, मेरा ये सवाल था, भोपाल में कोई कॉलेज है जहाँ से हम टूरिज्म से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं? जी डॉक्टर अरविंद, क्या सवाल पूछ जी? भोपाल में टूरिज्म से रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन हो किसी कोर्स के लिए? खूब सारे हैं, बहुत से हैं। जिवाजी यूनिवर्सिटी कोर्सेज रन करता है आपके मध्य प्रदेश के अंदर ही, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है। आप उसके अंदर सर्टिफिकेट से लेके आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक प्रोग्राम है, PhD तक के प्रोग्राम्स हैं। तो और भी जैसे भोपाल के अंदर ही कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, वे इस चीज को रन करती हैं, तो अवेन्यूज बहुत से हैं। एक बार आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, वहाँ पे जागरण यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक नई यूनिवर्सिटी खुली हुई है दैनिक जागरण वालों की, वो ट्रेवल एंड टूरिज्म कोर्स ऑफर कर रहा है वहाँ पे। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में शायद कोर्स अभी ऑफर नहीं हो रहा है, तो ये जागरण यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। धीरे धीरे बाकी जगह भी आ रहा है, तो राहुल शायद ये ऑप्शन है जो आपके लिए अवेलेबल है और आप इन्हें अपना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर अरविंद, जिस तरीके से यहाँ बात की कि अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाएगा, लेकिन क्या इसमें सर्विस ही एक ऑप्शन है कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, कि आप अपनी ट्रैवल एंड टूरिज्म की कंपनी भी खोल सकते हैं, ये भी ऑप्शन है? देखिए, यह जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है एक सर्विस इंडस्ट्री है। और यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अपना काम खोलने की सबसे ज्यादा संभावना आप पाएंगी। आप चाहे ट्रेवल एजेंसी को ओपन कीजिए, चाहे टूर ऑपरेटर यूनिट में जाइए, चाहे आप गाइडिंग कीजिए, चाहे आप स्काउटिंग कीजिए, चाहे आप कोई शॉपिंग का सवीनियर के शॉप जो है ओपन कीजिए, ठीक है, चाहे आप कोई गोल्फ कोर्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट लीजिए, चाहे रिटेल की सर्विसेज हैं उनके अंदर कीजिए, तो एवेन्यूज बहुत ज़्यादा है जी। जितनी भी इस इंडस्ट्री का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जिन चीज़ों से मिलकर बनती है,
चाहे अकोमोडेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे शॉपिंग हो, ठीक है, इन सब के बहुत से एवेन्यूज हैं। इन सभी में आप जो है अपना काम खुद ओपन कर सकते हैं, ट्रेवल एजेंसी ओपन कर सकते हैं, टूर ऑपरेटर ओपन कर सकते हैं, अपने फूड जॉइंट्स को जो है आप ले सकते हैं, जगह जगह शॉपिंग कितने एवेन्यूज रहते हैं, सविनियर शॉप्स के रूप में रहे या बाकी और चीजें। से इंडिया जो है हमारा हेरिटेज आर्ट एंड क्राफ्ट कल्चर में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा फेमस है। मैक्सिमम टूरिस्ट हम लोग उस पर्पज से हॉलीडे रिक्रिएशन और हमारे हेरिटेज एंड कल्चर के रूप में हम लोग बहुत ज्यादा टूरिस्ट को हम लोग इन्वाइट करते हैं, उसी को देखने के लिए मैक्सिमम यहाँ पर आते हैं। तो उससे रिलेटेड जो है बहुत से एवेन्यूज बन जाते हैं। आप गाइडिंग की एक सर्विसेज है, ठीक है, गाइडिंग लाइसेंस लेके आप स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट और स्पेसिफिक रीजन वाइज आप कर सकते हैं। स्कॉटिंग एक सर्विसेज, अगर आप फॉरेन लैंग्वेज अगर कोई सीखें, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज के अंदर जिस तरह से टूरिस्ट आते हैं, है ना, जैसे मैक्सिमम हम लोग यही सवाल यहाँ पर करने वाली थी आपसे कि कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिन पर कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए भाषा के रूप में तो जैसे ये स्पेसिफिक है कि आप किस चीज को टारगेट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम अपना करेक्टर देखें इंडिया के अंदर कि टूरिस्ट कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, मैक्सिमम तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश से हम लोग जो है रिसीव कर रहे हैं। बांग्लादेश के बाद हमारा यूएसए आ जाता है जिसके लिए अंग्रेजी चाहिए, उसके बाद यूके है उसमें भी अंग्रेजी चाहिए, उसके बाद आपका फ्रेंच है, स्पेनिश है, चाइनीज है, ठीक है, इस तरह जो यूरोपियन जो लैंग्वेज है अगर इनके अंदर आपने महारत हासिल कर ली तो आप बहुत अच्छा स्कॉटिंग और गाइडिंग कर सकते हैं। और फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, नागेश्वर हैं हमारे साथ, अपना सवाल करें आप डॉक्टर साहब से। नागेश्वर आपको आवाज मिल पा रही है? जी मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। जी सवाल करें। ये मेरा सवाल है कि अभी मैं मुंबई से बोल रहा हूँ और जी जी मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। मैं अभी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम कम करें उसके बाद सवाल करिए। जी कम कर दिए। तो अभी मैं आपका शो देख रहा था और उसमें मुझे बस ये जानना है कि अगर कोई आफ्टर 12 अगर ये कोर्स लेना चाहे टूरिज्म का, तो उसमें जो खर्च है यानी जो जो फी होती है, डज इट मतलब वो डिपेंड करता है कॉलेज में या फिर, या मतलब मैं फीस को लेकर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, काफी ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मतलब कितना हद तक फीस देना चाहिए जो जो लागू हो या वैलिड। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, ये जो फी आपका होता है वो इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती हैं तो वहाँ काफ़ी नॉमिनल फीस है, 6,000-7,000 रुपये। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेती हैं तो 1,00,000-1,50,000 हो जाता है। इवन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, IITT है, वहाँ फीस काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर यूनिवर्सिटी सिस्टम में आप आती हैं तो फीस कम रहेगा। अगर कोई ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में जाते हैं या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो फीस काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो फीस बाकी कोर्सेज की तुलना में कम होता है। 1,00,000 से 1,50,000 पर एनम आपको देना पड़ता है। यूनिवर्सिटी सिस्टम में फीस 8,000 से 10,000 होती है बस। जी एक और अहम सवाल यहाँ पर मन में आ रहा है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन स्किल किसी का काफ़ी अच्छा है, वो फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहता है, पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, तो क्या ये संभव है? एकदम संभव है मैडम। जैसे अभी हमने GMR के साथ हमारी टाइप की बातचीत चल रही है। GMR एक ऐसी कंपनी है जो पूरे एयरपोर्ट को मैनेज करती है। उन्होंने बोला है कि हमें आप फुल टाइम अगर बच्चे नहीं दे पाते हैं तो जो आपके यहाँ बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, 2-3 बजे फ्री हो जाते हैं, वो 3-4 घंटे के लिए आके और कस्टमर को हैंडल कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज होटल्स में भी होती है, ये पॉसिबिलिटी आपको कार रेंटल सर्विसेज में भी होती है, ये पॉसिबिलिटी आप एक कार्गो बहुत बड़ा जॉब एवेन्यू जिस पर्टिकुलर टूरिज्म में वहाँ भी होती है। तो पार्ट टाइम फुल टाइम साथ जो ग्लोबली हो रहा है वो इंडिया में भी हो रहा है, बिल्कुल, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ भी है जी। और डॉक्टर अरविंद, जिस तरह से आपने लैंग्वेज की बात की थी कि आप जितनी ज़्यादा लैंग्वेज जानते हैं शायद आपका स्पेस और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, लेकिन एक और चीज़, मान लीजिए आप भारत में ही डील कर रहे हैं अपने कस्टमर से, क्या इस तरह की स्किल्स की भी ज़रूरत है कि अगर मैं रहती हूँ राजस्थान में और मेरे यहाँ हिमाचल का कोई टूरिस्ट है जो अगर मैं सर्विस में काम कर रही हूँ तो उन्हें क्या चाहिए, मैं क्या प्रोवाइड करा सकती हूँ, इसकी जानकारी अपने क्लाइंट को देना, इस तरह की स्किल्स की भी ज़रूरत रहती है क्या? इस पर भी जो अगर हमारे कोई स्टूडेंट या फिर उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं तो शायद गाइड कर सकते अपने बच्चों को ऐसे स्किल्स के लिए। देखिए इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपका कम्युनिकेशन सबसे अच्छा हो जी। जहाँ तक भारत की बात है तो हिंदी अंग्रेजी तो मेन ही है जी। ठीक है, कोई भी जाएगा ये लोकली कहीं भी आप ऊपर से लेके उत्तर जो है रीजन से लेकर आप कहीं भी अगर चले जाए तो हिंदी अंग्रेजी के अंदर मेनली है चीजें हमारी कम्युनिकेट हो जाती है। जो भी कैंडिडेट इस फील्ड में आना चाहे उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो इसकी माइन्यूट चीज़ें हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा कि आप राजस्थान की हैं, आप हिमाचल के कोई टूरिस्ट अगर आता है, मान लीजिए राजस्थान को विजिट करने के लिए अगर आता है, तो कम से कम आप राजस्थान के या इतिहास
का अच्छा नॉलेज हो आपको, वहाँ के जो मॉन्यूमेंट है उसके बारे में आपकी नॉलेज हो, वहाँ पे जो रूट नेटवर्क कैसा है, किस तरह की सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, होटल्स वहाँ पे किस तरह के मिल सकते हैं, किस तरह के चार्जेस हैं उनके, क्या डू एंड डोंट्स हैं किसी कल्चर से रिलेटेड, ठीक है, किसी अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसको कैसे टेक केयर किया जाए, या ग्रीवांसेस क्या क्या हो सकती हैं एक टूरिस्ट की, है ना, इनको टैकल करना बहुत जरूरी होता है। तो मतलब ये कि आप चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, वहाँ की ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, वहाँ से कल्चर एंड ट्रेडिशन से रिलेटेड हो, किस तरह के वहाँ के टेक्नोलॉजिकल फिनोमिना है, सिक्योरिटी फिनोमिना कैसा है, और कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, और उनकी टाइमिंग्स क्या क्या है, उनका फी नेटवर्क कैसा है, इन सब चीज़ें के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है क्वेरीज को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। और ये भी आप मान के चलिए आज की डेट के अंदर टूरिस्ट जो है बहुत ज़्यादा अवेयर्ड है, यह आप मत समझिए कि क्योंकि आज की डेट में छोटे छोटे मोबाइल्स हैं, उन सभी में ऐसी टेक्नोलॉजी है, गूगल कर कर हाँ वो सब चीज़ें पहले जानकर आता है, डिजिटल टूरिज्म, हाँ डिजिटल के रूप में सेंस में आ गया, बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर गए, तो यह आप यह नहीं सोच सकते कि टूरिस्ट को यह नहीं पता है, तो उनसे आगे आपको जाना होगा। बिल्कुल, और टाइम की कमी है यहाँ पर, लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर करना चाहूंगी डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें भारत का ट्रेवल बाजार, जैसा कि मैंने पढ़ा 2020 तक $48 बिलियन पहुंच जाएगा, अगर ऐसा संभव है तो कितनी संभावनाएं हैं जॉब की? ये फोरकास्ट किया गया है कि अभी जो 8.1% जो एम्प्लॉयमेंट है टूरिज्म का, ये शेयर बढ़ के बाई 2020 जो है वो 10% हो जाएगा। हमारी सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री अगर किसी कंट्री में 10% एम्प्लॉयमेंट दे रही हो तो आप समझ सकती है कितनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होगी ये। तो आने वाले हर साल टूरिज्म जो ग्रो कर रहा है ग्लोबली वो 7% से लेकर 9% के बीच में ग्रो किया जा रहा है। तो एक एकमात्र एक्सेप्शनल इंडस्ट्री है जहाँ पे ग्रोथ कंसिस्टेंटली हो रहा है डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स, जहाँ पे इधर कभी बाढ़ होती है कभी कुछ होता है, उसके बावजूद भी टूरिज्म इंडस्ट्री कंसिस्टेंटली एवरी ईयर, एक आध एक्सेप्शन बीच में हुआ था, ये ग्रो करते जा रही है। जब टूरिस्ट आएंगे, जब नंबर ऑफ टूरिस्ट अराइवल बढ़ेगा, ऑफकोर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। तो आने वाले सालों में जो टूरिज्म का जो अभी तो हम काफ़ी नेसेंट स्टेज पे हैं, इंडिया में टूरिज्म तो अभी शुरू हुआ है ग्रो होना, आप ये समझिए कि हमारा जो परसेंटेज है 1% पहली बार क्रॉस किया है, अदरवाइज हम लोग हमेशा 0.05-0.06 हमारा शेयर होता था, तो ये शेयर 1% को क्रॉस कर चुका है, और हमारे यहाँ नंबर ऑफ टूरिस्ट अराइवल जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में टूरिज्म एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री होगा इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ कैरियर एंड इन टर्म्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। तो हिचकिचाने की जरूरत नहीं है अगर आप इस फील्ड को ऑप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि करियर की काफी संभावना है टूरिज्म में, और इसका प्रूफन ट्रैक रिकॉर्ड है। जी, मैंने आपको बताया अपने कॉलेज का एग्जाम्पल दिया, इनके अरविंद जी के भी जो इग्नो से बच्चे जाते हैं वो इंटरप्रेन्योरशिप पे काफी अच्छा करते हैं। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि इंटरप्रेन्योरशिप में टूरिज्म में सबसे बड़ी संभावना एक फायदा क्या है कि आप कोई भी वेंचर बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर लेती है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, स्टिक ट्रेवल, सुभाष गोयल जी उसके ओनर हैं, उन्होंने ऐसे ऑफिस शुरू किया था एक टेबल और चार चेयर से, आज अ फ्यू हंड्रेड करोड़ की कंपनी हो गई है वो। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3 लाख 4 लाख 5 लाख मैक्सिमम आप एक ट्रेवल एजेंसी शुरू कर सकती हैं, लेकिन क्या 5 साल में 5 लाख में कोई फैक्ट्री खोल सकती हैं, 5 लाख में कोई आउटलेट खोल सकती हैं? नहीं खोल सकती हैं। तो इंटरप्रेन्योरशिप एट अ वेरी लो एक्सपेंडिचर ये टूरिज्म का USP है। सर, सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है और हमारे पास टाइम काफ़ी कम है, तो आपको फिर कभी हम ज़रूर इन्वाइट करेंगे हमारे शो में, ताकि आप बच्चों को और ज़्यादा जानकारी दे सकें टूरिज़्म के बारे में। आप आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर के आशुतोष और डॉक्टर अरविंद कुमार, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम गुड इवनिंग इंडिया में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।